हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहर क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाएंगे 2020 में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ साथ हम प्रूफ भी देंगे कि ये कब कब पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर इसका आप प्रूफ मांगेंगे तो मैं लास्ट में आपको इसको प्रूफ भी दिखा दूंगा, आप इसी वीडियो में कमेंट करिएगा। बट इससे पहले मैं आपको बता दूँ, इस चैनल पर मेरे प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण से मैं आपको अभी नहीं बता पा रहा हूँ कि आपकी जॉब कैसे लगेगी, NDA, एयरफोर्स, नेवी में आपको कैसे सिलेक्शन लेना होता है, जल्दी से क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपको नौकरी मिलेगी, BSc BHU की तैयारी सब कुछ करवाऊंगा। बट उससे पहले, अगर आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं वीडियो शायद ना दे पाऊँ। वहाँ पर मैं 3 टीचरों के साथ फुल प्लानिंग के साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारी कुछ जानकारी, पॉलिटेक्निक में यदि आपको एडमिशन लेना है तो भी क्लासेस लगेंगी, अगर आपको NDA में एयरफोर्स नेवी में सिलेक्शन लेना है तो भी क्लासेस लगेंगी। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर मैं इसलिए वीडियोज़ नहीं दे पाऊँगा क्योंकि इस चैनल पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो भी टेक्निकल इशू प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व नहीं हो रही, मुझे नहीं लग रहा कि वो सॉल्व हो जाएगी। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब ऐसा क्वेश्चन होता है जैसे इसमें रूट लगा हुआ है, तो इस ऐसे क्वेश्चन में हमको इस रूट हटाने के लिए अंदर होल स्क्वायर बनाना पड़ता है, और होल स्क्वायर के लिए हम इस a का मान 1 का मान रखेंगे और साइन एक्स को यहाँ से खोलेंगे। यहाँ पर साइन एक्स हो या 2x हो, बात एक ही है यहाँ पे, लेकिन 2x है क्वेश्चन में, तो मैं कर लेता हूँ, 2x ही पूछा गया है, x नहीं पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, इंटीग्रेशन कर लगाएंगे और उसी को इस 1 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इस 1 की वैल्यू हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इस 1 की वैल्यू मैंने रख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इस साइन 2x को खोल दूंगा तो हो जाएगा 2sin x इंटू में कॉस एक्स, ठीक है। और इस रूट को मैं यहाँ से पूरी तरह से लगा दूंगा। इसके बाद क्या होगा, इस इंटीग्रेशन के साथ में इस साइन एक्स और ये कॉस एक्स, तो इसको मैं बना लूँगा, क्या बना लूँगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बना सकता हूँ ना, क्योंकि ए को अगर मैं डिनोर कर दूँ साइन एक्स और बी को डिनोर कर दूँ कॉस एक्स, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसीलिए मैं इसको लिख दूंगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी सी बात आपके समझ में आ रही है। इसके बाद ये रूट लगा है तो मैं यहीं पे रूट लगा दूंगा, ओके। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस रूट को लगाने के बाद इस रूट से इस वर्ग से कैंसिल कर देंगे, फिर इसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स, ठीक है। इसके बाद क्या है, इधर हमारा डी एक्स इंटू में चल रहा था, ठीक है, डी एक्स, ये डी एक्स। तो अब क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन का अंदर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स और प्लस में कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसके बाद क्या होगा समझिएगा, इस साइन एक्स का जो समाकलन होता है माइनस का कॉस एक्स, और ये जो प्लस का कॉस एक्स का समाकलन होता है कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, ठीक है, प्लस सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जहर क्वेश्चन है, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम पर पूछा जाए, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसके बाद एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, आप उम्मीद करता हूँ सभी लोग इसका आंसर कमेंट कर देंगे। साइन 1/sin² x इंटू 1/cos² x, क्या इसे आप कर पाएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इसे आप कर पाएंगे। चलिए इसे मैं जल्दीबाजी में बता देता हूँ। देखिए, इस 1 का इसमें वैल्यू रखना है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा है कि इस क्वेश्चन को ना बताइए, बट बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट आ रहा है कि इस क्वेश्चन को बता दीजिए। तो यहाँ पे हमने 1 की वैल्यू ऊपर खोल देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे वाली वैल्यू लिख देंगे, फिर इसको अलग अलग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, प्लस ऊपर कॉस स्क्वायर के अपान में पूरे कर देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए, ये कॉस स्क्वायर एक्स से ये कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, इस साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, साइन वाला ऊपर जाएगा तो बचेगा कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये जो ये है ये दोनों तरफ लगा रहेगा, और इधर इंटू में डी एक्स इधर भी रहेगा, इंटू में डी एक्स इधर भी रहेगा। अब इससे किस स्क्वायर एक्स का होता है टैन एक्स
इसके बाद इस कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का काट एक्स, इसका माइनस काट एक्स प्लस सी। इतना तो जान ही गए होंगे आप कि किसका क्या होता है, ठीक है, बस इतना इसको कर देना, यही आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेने वाले हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम पर पूछा जा सकता है 2020 में। तो इसके लिए करना क्या है, इस क्वेश्चन की डायरेक्शन क्या है देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू लेट करते हैं, क्योंकि जब भी कभी आपको इनवर्स में इस प्रकार फंक्शन दिया गया हो और अंदर जो फंक्शन दिया गया हो उसी फंक्शन में आपको बनाना होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको लेट करना पड़ेगा। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस कोष्टक के अंदर अगर मुझे कॉस बनाना है तो मैं यहाँ पे x इक्वल टू टेन लेट कर लूँ, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कास्ट 2 थीटा का फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ सिंपल से मैं लेट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है dx, एक्स यहाँ सिंपल से मैं लेट कर लूँगा टेन थीटा, ठीक है, x बराबर टेन थीटा। अब इसका हम कर देंगे क्या अवकलन, तो यहाँ से हमें निकल आएगा dx बराबर sec स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा। अब इस वैल्यू को हम dx के स्थान पर इधर पुटअप कर देंगे, ठीक है, जैसे ही पुट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, वो हो जाएगा कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर, एक्स के स्थान पर क्या रखना है टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर है तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इनटू में ये डी एक्स के स्थान पर क्या रखना है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा, ओके। इसके बाद क्या करना है हमें, हम क्या करेंगे, इसके वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा कास टू थीटा, तो ये हो जाएगा कास इनवर्स कास टू थीटा, और इसके बाद सेक ये कास टू थीटा हो गया और उसे उसी प्रकार लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। इस कास इनवर्स से ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा टू थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। अब हम टू को बाहर कर लेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन चल रहा है, देखिए पूरे में हमें इंटीग्रेशन करना था, अब इस टू को बाहर कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हम इस पे लगा देंगे फर्स्ट ऑफ दी सेकेंड, क्योंकि हमें करना है समाकलन, तो फर्स्ट हो गया ये हमारा, सेकेंड हो गया, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पाँच अंक में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये टू को बाहर करेंगे और इसमें लगाएंगे, तो देखिए फर्स्ट का क्या होता है, फर्स्ट का होता है फर्स्ट को उसी तरह सेकेंड का समाकलन, तो फर्स्ट को उसी तरह किया, सेकेंड का सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है टेन थीटा, ठीक है। इसका बाद होता है माइनस फर्स्ट का आकलन टेन थीटा का, थीटा का आकलन क्या हो जाएगा वन, और सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, और इंटू में टेन थीटा इंटू में होता है डी थीटा, इसमें होता है ये फार्मूला होता है आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। फिर क्या होगा, इस फार्मूले को हम खोल देंगे फिर से टेन थीटा का फार्मूला, तो जैसे ही हम टेन थीटा को खोलेंगे तो होता है माइनस लॉग सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है इंटीग्रेशन टेन थीटा बराबर होता है लॉग स्मार्ट सेक थीटा, ठीक है, ये तो जानते होंगे आप नॉर्मल से फार्मूले। तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा टेन थीटा है तो इस थीटा के स्थान पर हम वैल्यूज ऊपर से निकालेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा, थीटा टेन थीटा एक माइनस, यहाँ से हम इसको इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेट टेन थीटा क्या होता है लॉग मॉड सेक थीटा, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट में लिख देता हूँ, तो लॉग मॉड सेक थीटा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या इस सेक स्क्वायर थीटा को मैं चाहूँ तो अंदर लिख सकता हूँ कि वन प्लस टेन स्क्वायर, इसको स्क्वायर में अगर लिखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, तो यहाँ से मैं एक्स जब थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो निकल के आ जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ से अगर मैं टेन थीटा के स्थान पर एक्स रख सकता हूँ, तो देखिए यहाँ से टेन थीटा के स्थान पर एक्स रखूँगा, और इस थीटा के स्थान पर देखिए यहाँ से मैंने निकाला, यहाँ से जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे थीटा की, तो टेन इनवर्स एक्स निकलेगा, और इस टेन थीटा के स्थान पर एक्स रखेंगे तो इस टेन थीटा के स्थान पर एक्स और थीटा के स्थान पर टेन इनवर्स एक्स, तो टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और इनटू में यहाँ पे एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये टेन थीटा की जगह हम क्या रखना है एक्स। इसके बाद माइनस इस लॉग को मैं अंदर का जैसे करूँ तो इधर लगा दूँ रूट और इसको लिख दूँ सेक स्क्वायर थीटा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें थीटा रिमूव करना है, ठीक है। इसके बाद हमें लगाना है यहाँ पर प्लस सी, तो हम इसमें लिख सकते हैं टू और एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस के सेक लॉग मार्ट सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना, बहुत आसान है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस टेन थीटा के स्थान पर हमें क्या रखना है एक्स, तो हम यहाँ से क्या करेंगे टू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग,
और ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इस टेन स्क्वायर थीटा की जगह में मुझे क्या रखना है, टेन थीटा की जगह में एक्स, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे मैं एक बार आपको फिर से समझाना चाहूँगा क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पर इस तरह से बहुत बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है इस एग्जाम पर भी, तो इसे एक और से समझिएगा। देखिए इसमें मैंने पहले एक्स इक्वल टू टेन थीटा लेट किया था क्योंकि मुझे अंदर कास थीटा बनाना था, कास इनवर्स में दिया गया था। फिर इसके बाद मैंने क्या किया था, इसका आकलन कर दिया था ताकि इस dx की वैल्यू हमें निकाल सकें, तो dx की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसका आकलन किया, फिर इसमें वैल्यूज पुट करी x के स्थान पर tan थीटा, तो ये निकल के आ गया, और d थीटा के स्थान पर sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। इसके बाद cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका होता है cos 2 थीटा का फार्मूला, तो इसको मैंने लिख दिया था cos 2 थीटा, इसके बाद sec स्क्वायर थीटा d थीटा, इसके बाद ये 2 थीटा, और इसके बाद ये 2 थीटा क्योंकि ये cos से cos खत्म हो गया था। जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया हो वीडियो छोड़ सकता है क्योंकि इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा। तो यहाँ से 2 थीटा कैसे हो जाएगा, इस cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ये वाला 2 थीटा और ये sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। अब यहाँ से मैं इस 2 को बाहर कर लूँगा और इसमें फर्स्ट आप सेकंड लगाऊंगा, तो फर्स्ट को उसी तरह सेकंड का समाकलन, तो इस सेकंड इसे मैंने माना था, तो sec स्क्वायर थीटा का क्या होता है tan थीटा, अब ये माइनस का tan थीटा इंटू d थीटा, ठीक है। कैसे, क्योंकि फर्स्ट का आकलन थीटा का आकलन 1 और sec स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा tan थीटा। अब आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन tan थीटा इक्वल टू होता है log mod sec थीटा, तो इस फार्मूले को मैंने यहाँ खोल दिया और ये इसको ऐसे ही उतारा, फिर इधर से मैंने x की वैल्यूज निकाली, यहाँ पे देख सकते हैं इस x की यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली और यहाँ पे पुट किया, और इस tan थीटा के स्थान पर x और थीटा का मान यहाँ से tan इनवर्स x ये मैंने यहाँ पे पुट किया और इसे खोल दिया, इसे sec थीटा को मैंने रूट के अंदर लिख दिया, sec स्क्वायर थीटा एक sec थीटा ताकि बाहर निकल सके, इसके बाद मैंने इसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में खोल दिया, फिर इसे tan थीटा के स्थान पर x रख दिया, यही आपका आंसर हो गया। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है।